गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हवेली संगीत के विषय में चर्चा करेंगे। हवेली संगीत अथवा अष्टछाप संकीर्तन कृष्ण लीला को समर्पित पदों को गाए बजाने की परंपरा को कहते हैं। इसकी शुरुआत 18वीं सदी के मध्य में हुई थी। जब भक्ति आंदोलन के विषय में बात होती है तो एक काल आता है मध्य युग का, जहाँ पर अनऑफिशियल रूप में अर्थात अनौपचारिक रूप से एक छोटा सा आंदोलन हुआ, जिसके अंदर बाकायदा ठाकुर जी के मंदिरों अर्थात श्रीनाथ जी के मंदिरों को एवं मूर्तियों को सहेजने तथा संरक्षित करने के लिए मंदिरों से उठाकर हवेलियों में स्थानांतरित किया गया। इसके पीछे वजह यह थी कि उस काल में थोड़ा सा भारतीय सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगा था तथा इसकी सेवा करने वाले सेवादारों को ऐसा अंदेशा था कि कहीं इसके परिणाम स्वरूप श्रीनाथ जी के मंदिरों को कोई क्षति न पहुंचे। तो उन्होंने इन मूर्तियों को सहेजने तथा संरक्षित करने हेतु हवेलियों में छुपाया तथा उनकी स्थापना करी तथा उसके अंदर की जाने वाली 8 प्रहर की पूजा अर्थात 8ों प्रहर में की जाने वाली स्वरों से जो सेवा होती है या सुरों से जो पूजा कहा जाता है उसे अष्ट छाप संगीत का नाम दिया तथा आगे चलकर यह अपने आप में एक काफी वृहद परंपरा का रूप लेने लगी। ऐसा कहते हैं कि पुष्टिमार्गी संप्रदाय के जो संस्थापक थे श्री विट्ठलनाथ जी, श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी, इन्होंने ही अष्ट प्रहर की सेवा का आरंभ किया था तथा इसी को अष्ट छाप श्रृंगार कहा जाता है। नाथ द्वारा तथा अन्य कृष्ण भक्ति प्रदेशों के अंदर ऐसा देखा जाता है कि ठाकुर जी की 8 प्रहर में अलग अलग प्रकार का श्रृंगार किया जाता है, अलग अलग प्रकार से सेवा की जाती है तथा उनकी कई लीलाओं का वर्णन भी इन्हीं में मिलता है। ये 8 प्रहरों के नाम है मंगला अर्थात सुबह, बिल्कुल अल सुबह का समय, द्वितीय श्रृंगार, तृतीय ग्वालबाल, चौथा राजभोग, पांचवा उत्थापन, छठा भोग, सातवां संध्या आरती तथा आठवां शयन। इन 8ों प्रहरों के अंदर ठाकुर जी का श्रृंगार बिल्कुल अलग तरीके का होता है तथा इनके साथ की जाने वाली पारंपरिक रस्में भी अलग होती है तथा इन 8ों प्रहरों में की जाने वाली स्वरीय सेवा, स्वरों से की जाने वाली सेवा उस समय के आधार पर चयनित रागों द्वारा ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि विट्ठलनाथ जी ने इस अष्टयाम की सेवा का प्रारंभ इस हेतु भी किया था कि इससे पुष्टिमार्गीय पंथ का प्रचार प्रसार भी हो सके। इससे संबंधित कुछ प्राचीन मुख्य कवि हुए, जैसे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित कुछ ग्रंथ हमारे आदि पुरुषों ने लिखे, जैसे भरत कृत नाट्य शास्त्र तथा शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर तथा अहोबल कृत संगीत पारिजात, इस प्रकार की कुछ हमें ग्रंथ मिलते हैं। उसी प्रकार अष्टछाप के मूलतः 8 प्रमुख कवियों के नाम आते हैं जिनके ही पदों को गाया बजाया जाता है सर्वत्र। उन सभी 8 प्रमुख कवियों के नाम हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, क्षीत स्वामी, चतुर्भुज दास आदि। कहा जाता है कि अष्ट छाप का एक अर्थ 8 याम की पूजा न होकर के इन 8 प्रमुख कवियों की तरफ संकेत करना है तथा इन सभी कवियों के पदों में रचनाएं जो मिलती हैं वे अलग अलग रागों से तथा तालों से संबंधित मिलती हैं, अर्थात इन्होंने शुद्ध शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। पुष्टिमार्गीय अष्टछाप संकीर्तन में पदों द्वारा की जाने वाली सेवा को कीर्तन तथा इसको गाने वाले कलाकारों को कीर्तनिया कहा जाता है तथा इसमें प्रमुख रूप से कृष्ण लीला के ही वर्णन प्राप्त होते हैं। वह प्रहरों से संबंधित हो सकते हैं कि जाग उठे सब जन तुम जागो, गौवन के चरवाल चरैया, इस प्रकार के, जिसमें आप कृष्ण जी को एक बाल रूप में उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, यह फिल्मी अडैप्टेशन से पहले एक पारंपरिक भजन भी है।
इसी प्रकार के कई पदों का समावेश हमें दिखाई देता है तथा इनको जो निबद्ध किया गया है वह उस काल विशेष से संबंधित राग विशेष में ही किया गया है। जैसे कि यदि सुबह का काल है तो उस समय गाए बजाने जाने वाले प्रबंधों को राग भैरव, देवगंधार, बसंत मुखारी इस प्रकार के रागों के अंदर निबद्ध किया गया है। दोपहर की के पदों में आपको प्रायः राग तोड़ी अथवा आसावरी की झलक मिलेगी। संध्या काल के पदों के अंदर आपको राग पूर्वी, कल्याण, मारवा इत्यादि रागों का प्रयोग मिलेगा तथा शयन के समय आवश्यक रूप से बिहाग का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार तालों के अंदर भी यह देखा गया है कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग तालों का वर्चस्व है। जैसे कि ब्रज एवं मथुरा के अंदर जब कृष्ण लीला संकीर्तन किया जाता है तो वहां प्रमुख रूप से धमार ताल का प्रयोग होता है तथा राजस्थान के नाथ द्वारा क्षेत्र में आड़ा चौड़ ताल का प्रयोग अत्यधिक दिखाई देता है। यहाँ यह विदित हो कि धमार ताल तथा आड़ा चौड़ ताल पखावज पर बजाने वाली ताले हैं तथा इनका प्रमुख रूप से उपयोग ध्रुपद धमार शैली से ही होता है के साथ ही होता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि अष्टछाप संकीर्तन जो है वह पूर्ण रूप से ध्रुपद धमार शैली से प्रेरित है। इसी प्रकार जैसे हम कहते हैं कि संगीत के आदि ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं, जैसे भरत कृत नाट्य शास्त्र अथवा शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर, अथवा हम यदि अपने भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि से भी यदि देखें तो हमारे आदि ग्रंथ वेद पुराण इत्यादि हमें कई ग्रंथ मिलते हैं। उसी प्रकार हवेली संगीत पर भी एक महान ग्रंथ लिखा गया है जो कि इसी पंथ से संबंधित श्री चतुर्भुजदास जी ने लिखा है, जिसका नाम है षट ऋतु वार्ता। इसमें आपने लगभग 36 वाद्यों का विवरण किया है जो उस काल में अत्यंत प्रचलित थे तथा कमोवेश यही वाद्यों का आज भी प्रयोग निरंतर रूप से हो रहा है, यद्यपि इसमें नए वाद्यों का समावेश भी देखा गया है। जो वाद्य विवरणित है उनमें से कतिपय उदाहरण है तानपुरा, वीणा, पिनाक, मृदंग, सारंगी, रबाब, जंत्र, बांसुरी, मुरज, दुंदुभी, शहनाई, ढोल, खंजरी, झांझ, मंजीरा, शंख, महुवरी आदि। आधुनिक काल के अंदर इसमें सितार आदि वाद्यों का प्रयोग भी देखा जाता है। सितार एवं सरोद का भी प्रमुख रूप से प्रयोग देखा जाता है। यहाँ हम यह कह सकते हैं कि अष्टछाप संकीर्तन न केवल कृष्ण लीला का वर्णन करता है अपितु इसके अंदर अत्यंत गूढ़ भावों पर चर्चा होती है तथा गूढ़ अनुभूतियों का ग्रंथ है। ऐसे कई किंवदंतियां भी प्रचलित हैं जिसके अंदर ठाकुर जी के सेवादारों द्वारा अनुभव की गई अनेक कहानियां हैं, अनेक किंवदंतियां हैं जो ठाकुर जी कृपा के विषय में कई गुना ज्यादा रूप से प्रकट होती है। कहते हैं कि भावों को प्रकट करने के लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं किंतु कई बार व्यक्ति के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती जब ऐसा पाया जाता है कि ठाकुर जी को लगाया गया भोग सुबह जूठा मिले, अर्थात अथवा ठाकुर जी को जिस स्थान पर सुलाया गया वहां पर सुबह सलबटे मिले अथवा पान का बीड़ा खाया हुआ मिले। यह सिर्फ डिवोशनल एस्पेक्ट तथा व्यक्ति की श्रद्धा पर निर्भर करता है कि वो किस किस परिस्थिति में क्या देखना चाहता है। आप मानो तो ईश्वर है, मानो तो ना है, किंतु अष्टछाप संकीर्तन के अंदर ठाकुर जी को अर्थात श्रीनाथ जी को अपना सर्वस्व मान करके पूजा की जाती है। हवेली संगीत का मुख्य रूप से आकर्षण केंद्र बिंदु यही है कि इसके अंदर कृष्ण लीलाओं के साथ साथ लयात्मकता तथा संगीतात्मकता का पूरा ध्यान रखा गया है तथा वे ही रागे जो आज भी अत्यंत लोकप्रिय हैं उन्हीं रागों का समावेश इसमें देखने को मिलता है। Lade Gopal, Lade Gopal,
Yeah.